को बड़ा झटका। सीएम फेस रहे कर्नल अजय कोठियाल ने पार्टी छोड़ी। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहां उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आपका मुख्यमंत्री चेहरा रहे कर्नल अजय कोठियाल ने बुधवार को पार्टी छोड़ दी। उन्होंने इस संबंध में अपना इस्तीफा पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को भेज दिया है। कर्नल अजय कोठियाल ने इस्तीफे में लिखा है कि मैं 19 अप्रैल 2021 में पार्टी में शामिल हुआ था और अब 18 मई 2022 को पार्टी छोड़ रहा हूं। अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी में करीब 13 महीने तक रहे। उन्होंने केजरीवाल को पत्र में लिखा है कि पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्धसैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बुद्धिजीवियों की भावनाओं को ध्यान में रखकर पद से त्याग पत्र दे रहा हूं। अजय कोठियाल ने फरवरी 2022 में गंगोत्री सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था और हार गए थे। वे तीसरे नंबर पर रहे थे। यहां से भाजपा के सुरेश चौहान चुनाव जीते थे। अजय को सिर्फ 5000 ही वोट मिले थे। बता दें कि कर्नल अजय कोठियाल भारतीय सेना में रहे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के 26 साल सेना को दिए हैं। उनके शौर्य के कई किस्से आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। लेकिन पिछले साल 19 अप्रैल को उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। अजय को कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। वह कुशल पर्वतारोही भी रहे हैं और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के प्रिंसिपल भी रहे हैं। कर्नल अजय कोठियाल का यूथ फाउंडेशन ट्रस्ट उत्तराखंड के युवा लड़के और लड़कियों को सेना में भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग भी देता है।